नबी पुस्तक 53 अध्याय का 10वां वचन। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। उसके बारे में जब ये कहता है, पिता परमेश्वर उसे कुचलने के लिए सौंप दिया, दुख होने दिया और क्रूस पर भेजकर अन्य लोगों से, अपने ही भाइयों से जो है घोड़ों की मार सहा, हाथ पैर में कील ठोका गया, निंदा अपमान जो है उन्होंने सह लिया। क्रूस नामक उतना दर्द भरा हुआ उस मृत्यु के लिए पिता परमेश्वर ने यीशु को सौंपने के लिए इच्छा किया, क्योंकि इस पूरे जगत की पाप को धोने के लिए उन्होंने सोचा। इस मानवता की पाप को धोने के लिए पिता परमेश्वर ने यीशु को कुचल डालने के लिए निर्णय किया। मानव पर जो प्रेम रखा परमेश्वर के प्रेम, उसको प्रकट करने के लिए दुनिया में इस प्रकार के दृश्य और कहीं नहीं देख सकते। इसका कारण ये है, जब हम कमजोर रहे हमारे लिए यीशु ने मरा, जब हम पापी रहे हमारे ऊपर इतना प्रेम किया इसलिए उसने क्रूस पर मरा। प्रेम का चिन्ह है क्रूस। हम पर इतना दया किया, जहां हमें मरना था वो मरा है। पाप का दंड सह लिया ना, इतनी बड़े जो है अनुभव है वो क्रूस का दृश्य है। हालेलुया। आज भी उस क्रूस के दृश्य के द्वारा हमें जीवन मिलती है, हमें बल को देता है। जब हम बीमार में पड़ते हैं, जब हम दुखों में होके गुजरते हैं, उस वक्त क्रूस को जब हम ध्यान करेंगे, एक नए ताकत को प्रभु हमें देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे पूछता है, अभी तक अपने ही बल के निर्भर में आप रहे, अपने आप के बारे में बढ़ाई करते हैं, मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, मैं इस प्रकार दुनिया में रहा हूँ। वो सारी बातों को जो है उस वेदी पर रखने के लिए परमेश्वर चाहता है, तब परमेश्वर आपके लिए नया बल को देगा। हालेलुया। नए आशीष को परमेश्वर आपको देगा, नए द्वार को परमेश्वर आपके लिए खोलेगा। हालेलुया।